लो जी, गाँव की सुबह और हमारे पैरेट आके बैठ चुके हैं। आज सुनो इनकी। लो जी, सुबह सुबह आके हमने अपने बेलों को पानी दे दिया है और हमारी बेलें हरी भरी हो चुकी है। दुकान हमारी भर के रखी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, तो वेलकम बैक एन न्यू ब्लॉग में। राम राम जी। तो अभी उठा हूँ, मम्मी दूध लेके आए गए हैं। राम राम जी, राम राम जी। लो जी, गाँव की सुबह और हमारे पैरेट आके बैठ चुके हैं। आवाज सुनो इनकी, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये पत्ते आए हुए हैं सारे। ये आके बैठ गए। हम ही अब इनको डालेंगे बाजरा, और अभी जल्दी से नहा के चलते हैं अब खेत को, देखते हैं मम्मी ने आज क्या बनाया हुआ है। लो जी, अब हम नहा के रेडी हो चुके हैं और हमारा पोहा रेडी हो चुका है, और फटाफट चलते हैं अब खेत को। अब मैंने रेगुलर पोहा खाना स्टार्ट कर दिया है, तो फटाफट निकलते हैं अब खेत के लिए। आज काम बहुत है मुझे, कल भी बहुत काम था। लो जी, सुबह सुबह आके हमने अपने बेलों को पानी दे दिया है और हमारी बेलें हरी भरी हो चुकी हैं। दुकान हमारी भरी भर के रखी हुई है पूरी। हल्की हल्की बेलें इसमें से मतलब सेल कर दी हमने, बाकी पड़ी हुई हैं। रोज की वही थोड़ी थोड़ी बेलें सेल हो जाती हैं। तो ये हाइब्रिड की हैं, तो ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं, इनकी केयर भी कॉस्टली पड़ती है थोड़ी। देखो कैसे बाहर आ चुकी हैं अब बिल्कुल। देखो जब पहले दिन लगाई थी कैसे दाने दाने एक एक बीज लगाया था, और कैसे अब एक एक करके बहुत तैयार हो गए हैं इसका मतलब बेलें। तो आज हम मतलब कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, कल हमने जो पॉलीथीन थे बड़े बड़े वो सारे इकट्ठे किए थे, आज भी हम यही इकट्ठे कर रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। देखा पीछे चिड़ियाँ, पैरेट, तोते, जिन्होंने पीछे बोल रहे हैं हल्के हल्के, बहुत ही अच्छे लगते हैं कानों में ये आवाज़ अच्छी लगती है। और ये दूसरी ट्रैफिक की होती वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती भाई। तो अभी हमने ये शीट ये यूज़ की थी प्लास्टिक की, इसको इकट्ठी करेंगे। इस साल भी यूज़ किया हमने और अगले साल भी यूज़ कर लेंगे, अगर अगले साल फटी ना तो उससे अगले साल यूज़ हो सकती है। तो जो अभी हमारे पास है उसको हम इकट्ठी कर रहे हैं। देखो ये कितनी बड़ी बड़ी शीट्स हैं। तो अभी यहाँ तेला बहुत हो चुका है, बारिश नहीं पड़ रही, नहीं तो बारिश के कारण जो तेला होता है वो मर जाता है। तेला जो अभी आंखों में पड़ता है ना, छोटा छोटा से होता है मच्छर टाइप, उसको हम पंजाबी में बोलते हैं तेला। तो इसकी अभी सफाई हो रही है, रेत वगैरह इसके ऊपर से ये निकल रहा है। कल भी मैंने बहुत जोरों शोरों से इसको इकट्ठा किया है और आज ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो गाइस, आज हम मतलब जो भी पॉलीथीन इकट्ठे करने कर दिए है, तो आज हम इस कैरी को ना रेडी करने वाले हैं, ताकि हम इसमें घिया, कद्दू, रामतोरी लगा के इसके प्याज के ऊपर ही जाल लगा देंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट हम ये डाया है हमारी, इसको डाल के पहले हल खोलने से पहले डाल दूंगा, फिर ऊपर से हल खुलेगा तो मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, उसके बाद बनेगा बन्ना। जो मिट्टी इकट्ठी होगी एकदम से बन्ने में, तो ये सारी की सारी महल बन्ने में आ जाएगी, जिनका नहीं थी पंजाबी बट। तो अभी पानी लगा रहे हैं बाबा, ताकि खुलने में आसान हो जाए। देखो तो लो गाइस, अब इसमें खाद डल गया और इसकी जो है हल के साथ ये खुलना अब इसका स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमने इसमें एक कैरी में चार बट्ठल डाल दिए हैं और टाया डाल दिया है, और हल के साथ खुल रहा है, और साथ के साथ इसका बन्ना बनेगा, जिसके आड़ बनेगी, आड़ जैसे ये चैनल बना हुआ है, तो ऐसे एक बन्ना ये है, एक साथ में बनेगा। इस यही मिट्टी हम खींच के ना यहाँ पर बन्ना बना देंगे, तो जिसके साथ ये बनने में मैल खाद सारी मिक्स होकर बनना बढ़िया बनेगा, और जो पौध है उसको सारे तत्व मिलेंगे। तो ये हमारी है, देखो छोटी छोटी है ये मिर्च, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं अभी।
ये कोड़ी मिर्च है, ये निशा बैंगन है, इसका नाम है निशा, ये क्लोज कंपनी का। ये छोटे छोटे घुंगरू टाइप लगते हैं बैंगन, उसको ना हम यहाँ पे पंजाबी में बोलते हैं चूचू, वो होते हैं। तो साथ में यहाँ पे अब ना थोड़ा जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारा नीला बैंगन है, इस बार पता नहीं क्यों जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो रहा। और साथ में ये हमारी शिमला मिर्च है, टमाटर हो चुका है, टमाटर अगर इसको थोड़ा सा पानी में अभी लगा दूंगा यहाँ पे ये फटाफट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये बैंगनी है हमारी, बिल्कुल सूख गए हैं खेत, अब पानी जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे अब बहुत हवा की तरह बढ़ता जाएगा ऊपर को। ये हमारी मिर्च है, तो ये बंदों का अब थोड़ा बहुत काम ना रोला शोला सा इनका कम हो गया है, ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सेट हो चुके हैं अभी। ये भी ये थोड़ा सा ना ढीला सा पड़ गया है, पर फिर भी ये अपना काम कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं। और आज हमें जो नेट है इसको उठा के इसके ऊपर देना है, कई दिन हो गए थे प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई और प्रॉपर काम नहीं किया मैंने खेत में, दिल्ली से आके थोड़ा सा हमने रेस्ट किया है प्रॉपर। ये देखो हमने ये सीधी छत सी बनाई हुई थी, इसके ऊपर कागज़ दिया हुआ था, और ये जो घास है ना ये ढीला, ये बड़ा नुकसान करता है यार, सारी जगह हो रखा है। देखो नीचे से दिखा दूँगा कैसे लग रहा है, टेंट सा बिल्कुल सीधा है प्रॉपर। खेत किस किस स्वच्छ मेरे खेत अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमारी बंद गोभी है, और ये शीट के नीचे हमने यहाँ पे बीज लगाए हुए हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट कि ये फुटा या नहीं फुटा। फुट तो रहा है, देखो ये बीज है ना, ये बीज फुट के आए हैं, इसकी जो लुंग है निकल गई है बाहर, धीरे धीरे अब सब करके आ जाएंगे बाहर। तो अब लंच टाइम भी होने वाला है, तो उसके बाद सीधा चलेंगे हम घर, देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया हुआ है। और जो प्याज थे हमारे थोड़े बहुत बचे हुए थे, उनकी गडाई करके हमने उनको पानी यूरिया लगा दिया है। यूरिया तो अच्छी चीज़ है, बट अगर आप उसको लिमिट में लगाओ तो, अगर लिमिट से ज़्यादा लगा दो तो बहुत नुकसान है उसका, खाने वाले को नुकसान है। तो लो जी ये हमारी छत है जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, मतलब अब इसके ऊपर ना शातूत जिन्होंने कहते हैं पंजाबी तूत दी शां, अब इसको तूत लग रहे हैं, ये देखो ये लग गए ना तूत, अब इसको ये अब ये पकेंगे, और ये पूरा जो पंजाबी ने बेड़ा ये सारा ना नीला नीला लाल लाल सा हो जाएगा। और ये मंजे वगैरह भी यहाँ पे अगर रखोगे ना पूरे लाल पीले हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे। और हमने अपने मैट इकट्ठे करके रख दिए साइड में, और ये हमारी सिटिंग है। अब जो बनने का प्रोसेस है वो चालू हो गया, देखो अब इधर से भी मिट्टी लगाई जाएगी इसको बनने को, इधर को और उधर से भी इधर को सीधा बनना, ताकि हम इसमें पानी रख सकें। और दो दो बेले लगाएंगे इसमें, दो घिया, दो कद्दू, दो रामतोरी, दो करेला, दो करेली, ऐसे सारे खीरे के भी लगा के देखते हैं। मेरा विचार है कि वो मैंने जो हट बना रखी ना उसमें भी एक अद्धी बेल चढ़ा दूंगा उसके ऊपर, खीरे की चढ़ा दूंगा, जा फिर अच्छी रहेगी उसमें। तो जैसे ही ये हमारा बनना रेडी हो जाएगा तो आपको हम बेल इसमें कैसे लगाते हैं वो भी सिखा देंगे आज। तो फाइनली दूसरे साइड से भी जो बनना है ना रेडी होने के लिए स्टार्ट हो गया। लो जी हमारा बनना हो गया ये रेडी, देखो जो हमने मैल इधर डाली थी और इधर डाली थी सारी की सारी बनने में आ गई, ठीक है सेंटर में। तो अब जो बनना है बिल्कुल खाद के साथ भर चुका है, और पौध को जो अच्छी खुराक मिलेगी। तो अब हम जहाँ पे ना ये पूरा बनना है ऐसे पूरा यहाँ यहाँ पे लगाएंगे, ना ऊपर लगाएंगे ना ज़्यादा नीचे, सेंटर में हल्का सा यहाँ पे बेल लगाएंगे, दो दो बेलें सबकी लगा देंगे, ठीक है। हमारे मेरे पास छः आइटम है, तो छः छः दो 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 है, सबकी दो दो बेलें हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो दो तीन बीज खीरे का लगा देंगे, उसके ऊपर स्टेप बनाएंगे ऐसे, ठीक है। जैसे ये हमने ये डाले हुए ना पाइप, ये पाइप अब काम तो हमारे यहाँ पे कोई शेड नहीं बनेगी, ये पाइप हम लगाएंगे ऊपर इसके, ताकि जो जाल है अच्छी तरह बन जाए। तो बुलावा आया है, मम्मी ने बुलाया है खाने के लिए, फटाफट चलते हैं अब। तो जो भी कस्टमर आता है तो ये बोलता है कि यहाँ पे बैठने का गर्मियों में अलग मज़ा है, हैं बाबा, हाँ सब बोलते हैं कि बड़ा मज़ा है गर्मियों में यहाँ पे, ठंडा बिल्कुल एसी एसी हवा आती है,
ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंड, और ये है कि नेचुरल एयर हमें मिल रही है बिल्कुल फ्रेश। तो लो जी, हमारे चावल दाल और साथ में है मूली, तो फटाफट अब इसको खाते हैं, भूख बहुत जोरों से लगी हुई है। तो निकलते हैं खेत के लिए, बेलें लगाते हैं जाके, फिर आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कैसी लगानी है घर पे। आप तो खाना खा के हम आ चुके हैं खेत में, तो फटाफट अब लगते हैं काम पे, बेलें लगानी है। पहले बेलें लगाने से पहले हमें जो लिफाफे पॉलीथीन बीज पे दे रखे हैं वो इकट्ठे करके साइड में रखते हैं। चलो अभी जस्ट अभी यहाँ से एक चिनोक, जिसको बोलते हो हेलीकॉप्टर चिनोक, हो गया इस साइड पठानकोट साइड, फटाफट अब काम करते हैं अपना। तो गैस अभी ये वाला बन्ना जो बना रहे हैं हल्का सा बन गया है, मेरे को लगता आज लगेगी नहीं बेले, कल लगाएंगे। अभी कस्टमर आए थे इसके लिए, लेट हो गए हम। तो ये जो अभी बन रहा है ना बन्ना, ये सेंटर में बन्ना बना दिया, इधर से भी पानी लगा दी इसको, इधर से भी पानी लगा दी, और बन्ना बिल्कुल गिल्ला, जब भी मतलब पूरी इसको सिलन आ जाएगी। सिलन बोलते हैं जब पानी के साथ इसको हल्का हल्का पानी लग जाता है, उसको बोलते हैं सिलन। तो अभी खेत से आ चुके हैं यार, आज बेलें नहीं लगी हैं, दोनों बनने तैयार कर रहे हैं। अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे तो कल दिखाएंगे आपको पूरा प्रोसेस। तो अभी अम्मी क्या बनाया आज? दाल बनी हुई है आज, टमाटर की चटनी बनी हुई है। दाल कौन सी बनी हुई है, चटनी दिखाओ यार कान पे। ये रही टमाटर की चटनी भाई, तो ये पापा को सबसे मतलब अच्छी लगती है, मेरे को नहीं लगती, दांत खट्टे हो जाते हैं इससे, पापा को अच्छी लगती है, पापा खाते हैं सबसे ज़्यादा। और अभी चल रही है इधर साफ सफाई, मम्मी दूध का गिलास दे दो, एक पार्क है। अब हम चलते हैं अपने रूम में। लो जी हमारी थाली हो गई रेडी। यार मेरी एक प्रॉब्लम है, कुछ हल बता दो। मैं यार वेट कम करना चाहता हूँ बट मेरी डाइट कंट्रोल नहीं हो रही, खाना मुझे इतना मर्जी खिला दो मैं मना नहीं कर पा रहा, कोई सोल्यूशन बता दो यार थोड़ा बहुत कि वेट कम कैसे करें। तो खाना पीना हो चुका है गाइज, तो आज पूरा दिन बिजी रहा खेत में, बहुत ज़्यादा काम था आज। पॉलीथीन वगैरह जो इकट्ठे करने होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पहले साफ करना पड़ता है, फिर उसकी तह लगानी पड़ती है, तह लगाने में मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। खोलने में कोई टाइम नहीं लगता, उसको इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो ये छोटा सा ब्लॉग, और जो बेलें वगैरह मैंने लगानी है वो कल ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको बिल्कुल आराम से कैसे लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।